जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। AYSS ज्ञान वर्षा और अंतिम यात्रा सेवा समाज की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे मौजूद जितने भी भक्त और देखने वाले तमाम भक्तों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की तरह जैसे जगन्नाथ पुरी, इसी तरह पूरी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज AYSS ज्ञान वर्षा की टीम श्री स्वामीनारायण मंदिर टेंपल के अंदर है। वो मेरे पीछे देखेंगे कि श्री स्वामीनारायण मंदिर कराची की तरफ से आज ये श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। बहुत सारे भक्तों ने इसमें शिरकत की। आप हमारे कैमरे की आंख से देखेंगे कि जितने भक्त थे सबों ने जो है भगवान की रस्सी खींची। और कहते हैं कि किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो इस भगवान की रस्सी को, जो रथ को खींचते हैं। और आज जितने भी भक्त थे सबों ने भगवान का रथ खींचकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की और भगवान के दर्शन किए। और आप AYSS ज्ञान वर्षा टीम के कैमरे की आंखों देखेंगे कि किस तरह भक्त भगवान की सेवा में मगन है। उनके दर्शन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम जो है रथ के करीब पहुंचे और भगवान के दर्शन करें, मगर क्राउड इतना ज्यादा है कि दर्शन करना मुश्किल हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए AYSS ज्ञान वर्षा की टीम यहाँ पे मौजूद है और आप भक्तों के लिए हमारे कैमरामैन ने मेहनत करके और भगवान के जितने भी करीबी वीडियो बना सके, जितने करीबी शॉट ले सके वो लिए है ताकि आप घर बैठे जो है भगवान के दर्शन कर सके। और आप हमारे कैमरे की आंखों से देखेंगे कि बड़ी धूमधाम से ये रथ यात्रा बनाई गई। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक AYSS ज्ञान वर्षा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त रिश्तेदार सबों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तव पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरी दीनाबंधुर दया सिंधु कृपालु जन रक्षका कंभुपाणी चक्रपाणी पद्मनाभ नरत्तम लोकराज देवराज शक्रभूपश्च भूपति नीलाद्रीपतिनाथश्च अनंत पुरुषोत्तमा तर्कशाधेय कल्पतरु विमल प्रीति वर्धना बालभद्र वासुदेव माधव मधुसूदना वैतरी पुंडरी काक्ष वनमाली बलप्रिया शनिभांश मुरारी कृष्ण केशव श्री राम सच्चिदानंद गोविंद परमेश्वर विष्णु महाविष्णु प्रभा विष्णु महेश्वर जगन्नाथ माही कर्ता महायशा
कपिलाचार्य लोकाचारी सुर हरि।
Oh,
Hare Rama,
Hare Krishna,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा का महा उत्सव श्री स्वामीनारायण सेवाधारी सत्संग की ओर से यहाँ स्वामीनारायण मंदिर कराची में मनाया जा रहा है। यहाँ आए हुए सब भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे इस महा उत्सव में। जय जगन्नाथ। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 जैसे कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आती है और आज हम सब यहां पर स्वामीनारायण मंदिर में रथ यात्रा का उत्सव मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। श्री स्वामीनारायण सत्संगी सेवाधारियों की तरफ से ये रथ यात्रा हर साल जो है मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि कितने लोग भाव के साथ इस रथ यात्रा में जो है वो भाग लेते हैं। हकीकत में भाग लेना रथ यात्रा में समझो भाग को उदय करना है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ इस दिन ये स्पेशल दिन है और इस दिन जो है वो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बड़े अच्छे मूड में होते हैं। वो अच्छा मूड किस लिए होता है? क्योंकि इस दिन भगवान जो है अपने सबसे ज्यादा प्रिय जो सृष्टि के अंदर भक्त हैं वे ब्रजवासी, सारे ब्रजवासियों को मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं। भगवान को काफी समय हो गया ब्रजवासियों से जुदा हुए, इसलिए आज भगवान उन ब्रजवासियों को मिलने के लिए, उनकी जो विरह व्यथा है उनको दूर करने के लिए भगवान जा रहे हैं। जितना भगवान के भक्त व्याकुल होते हैं इतना भगवान भी व्याकुल होते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो आज का वो दिन है कि भक्त और भगवान का मिलन का दिन है, तो ये बहुत सुंदर जो है अवसर है। और बहुत सारे लोगों ने तकरीबन भी हम कह नहीं सकते कि कितने लोग हैं, पूरा ये स्वामीनारायण ग्राउंड भरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड से बाहर भी लोग जो है वो घूम रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आए हैं और हम स्वामीनारायण सत्संगी सेवाधारियों के आभारी हैं कि ये लोग जो है वो इतने सुंदर सुंदर उत्सव का आयोजन करते हैं और हम सबको जो है वो इस तरह से भगवान की भक्ति और उत्साह में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सर्वप्रथम ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल अंतिम यात्रा सेवा समाज के माध्यम से मुझे सुनने वाले सभी श्रोता भक्तों को और भक्तिमती माताओं को हृदय की गहराइयों से प्रणाम, जय सियाराम। आप सभी को भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य और भव्य रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते ही हैं
आज श्री स्वामी नारायण मंदिर के इस पावन तपस्थल पर भगवान श्री कुंज विहारी का निरंतर जिधर निवास है उनकी छाया में आज यहाँ सभी भक्तजन एकत्र होकर के श्री स्वामी नारायण सत्संगी सेवादारी समिति की तरफ से भगवान जगन्नाथ की ये दिव्य रथ यात्रा आयोजित की गई है, जिसकी छाया में हम सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अपने जीवन को भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में समर्पित करने का है। भगवान के रथ की रस्सी तो हम पकड़ते ही हैं, साथ में हम अपने जीवन की रस्सी, अपने जीवन की डोर भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, इस भाव से कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाव, सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में प्रभु, हार तुम्हारे चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूँ, ये भाव रखकर जो आज के दिन भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आप सभी को प्रणाम, जय सियाराम। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी की नामिने नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रयायते विलक्षितरं परम धाम स्थापिता मेन पाश्च में हरे कृष्णा। आज हम उपस्थित हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में और स्वामी नारायण मंदिर में हम यहाँ पर हैं। सभी भक्त जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ पर आरूढ़ होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं और वह जगन्नाथपुरी में होता था। प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है और श्रीला भक्तिपाद जी की कृपा से पाकिस्तान में रथ यात्रा शुरू हुई और अब पाकिस्तान में कई शहरों में रथ यात्रा होती है और कराची में तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा मनाई जाती है और स्वामीनारायण मंदिर वो जगह है जहाँ पाकिस्तान में पहली रथ यात्रा शुरू हुई। तो सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। Thank you.
कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा कि आपको मालूम है कि आषाढ़ महीने में हर वर्ष जो है जगन्नाथपुरी धाम में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है और भगवान जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी जो है अपने स्थान से बाहर निकल के रथ पर जो है वो विराजमान होते हैं और वो सब भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद जो है स्वयं दर्शन देते हैं और सब भक्त जो है और पूरी दुनिया से आए हुए जो भी भक्त लोग होते हैं वो भगवान के रस्से को जो है रथ के रस्से को खींचते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। उसी तरह से पूरी दुनिया में उसी रिवायत को कायम रखते हुए पूरी दुनिया में जो है ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए पाकिस्तान में भी हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में जो है वो रथ यात्रा बिल्कुल निकाली जाती है। हर इलाके में तकरीबन निकाली जा रही है अब। लेकिन ये जो स्वामीनारायण मंदिर है ये वो स्थान है कि जहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1982 वो साल था जिसमें पहली रथ यात्रा निकाली गई थी। 42 साल से जो है बाकायदगी से हर वर्ष जो है आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान इतने दयालु हैं, जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो हम सब पर दया करने के लिए अपने स्थान से अपने मंदिर से बाहर निकल कर जो है वो रथ पर जो है आरूढ़ होते हैं और रथ पर सवार होकर हम सबको जो है हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं और हम जो है इतने पतित जीव हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए जो है वो हम जो है फिर भी नहीं आते हैं। हमें चाहिए कि हर वर्ष कम से कम अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो कम से कम एक साल में एक दफ़ा भगवान के रथ को जो है ज़रूर उनके रस्से को आप खींचें तो आपका जीवन हम सबका जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाएगा। बोलो श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा।